सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। आप सभी साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती की। ये वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विभाग में, भर्ती हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो या महिला कैंडिडेट, सभी इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में जो ये भर्ती निकली है वो है CRPF में। बात करें दोस्तों इस वैकेंसी में कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि कैंडिडेट MBBS के साथ इंटर्नशिप पास कैंडिडेट ही इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों आपसे विनती है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको जो भी भर्तियां निकले उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी में आयु सीमा की। तो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु इसमें 67 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इस वैकेंसी में पोस्ट या पद का नाम है दोस्तों जनरल ड्यूटी ऑफिसर के पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें टोटल पदों की संख्या की बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल पद है 13 है। इसमें सिलेक्शन होने के पश्चात जो आपको वेतन मान दिया जाएगा वो है 75,000 पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू के अलावा ना इसमें कोई एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और ना ही इसमें आपसे कोई आवेदन शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होना है। और इसके साथ ही जो इसमें फीस के बारे में बताया कि आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा वो 13 नवंबर 2018 को प्रातः 9 बजे से पहले आपको पहुँचना है। तो आपको इस स्थान पर पहुँचना होगा। आप देख सकते हैं इसका पता है कंपोजिट हॉस्पिटल CRPF पुणे महाराष्ट्र। इस पते पर आपको अंतिम तिथि से पहले अपने इंटरव्यू के लिए भाग लेना होगा। और साथियों इसकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं www.crpf.gov.in। इस साइट पे जाकर भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दूंगा, वहाँ से आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आगे मैं आपको इसी वीडियो में इसका ऑफिशियल PDF दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिए। और दोस्तों आप इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है वो देख सकते हैं। ये CRPF में भर्ती निकली है दोस्तों। इसमें जो पोस्ट या पद का नाम क्या है, संपूर्ण जानकारी, क्वालिफिकेशन से संबंधित पदों की संख्या, विस्तृत जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वैकेंसी है जिसमें टोटल पदों की संख्या है 13 है। पोस्ट या पद का नाम है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। और सिलेक्शन के पश्चात आपको जो सैलरी मिलने वाले, इसमें वेतन 75,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट वेक संविदा के आधार पे है। और इसके साथ ही इस वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन या योग्यता आप देख सकते हैं MBBS के साथ इंटर्नशिप पास कैंडिडेट इसके लिए इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अगर आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहें तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है www.crpf.gov.in। इस साइट पे जाकर भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें सिलेक्शन की, तो दोस्तों इसमें इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू 13 नवंबर 2018 को प्रातः 9 बजे से पहले पहुंचना है दोस्तों। आप देख सकते हैं 13/11/2018 को होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों इंटरव्यू का स्थान मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इंटरव्यू की जगह बताई गई, आप देख सकते हैं कंपोजाइट हॉस्पिटल CRPF पुणे महाराष्ट्र। इस स्थान पर आपको 13/11/2018 को पहुंचना होगा जो कैंडिडेट इसके लिए योग्यता रखता हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी, तो मैं आपको ऑफिशियल साइट मैंने आपको बताई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से विस्तृत जानकारी पढ़ने के पश्चात ही आप इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होना है। किसी प्रकार का आपको इसमें आवेदन शुल्क नहीं देना है दोस्तों, ना ही आपका इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट का इसमें जो इसमें इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, इंटरव्यू में कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैंडिडेट को डिग्री, एज प्रूफ, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं इस पर बताया गया है। डिग्री
और इसके साथ ही एज का प्रूफ और सर्टिफिकेट, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, और इसके साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और इसके साथ ही दोस्तों इंटरव्यू में भाग लेने के लिए आपको बताई गई तिथि पे पहुंचना होगा दोस्तों। और साथ ही इसी प्रकार जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियाँ और उन भर्तियों से संबंधित, आप देख सकते हैं मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो भी भर्तियां निकले उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी भर्तियां निकले उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।